हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। आज है राम जी का जन्मदिन, तो इसलिए राम जी को दिखा के मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमारे घर पे एक सत्यनारायण पूजा है शाम को, उसी के लिए पंडाल वगैरह बनाया गया है हमारे का, मतलब मायके में। तो यहाँ पे मंडप सजाया गया है, डेकोरेशन वगैरह होगा, शाम को यहीं पे पूजा होने वाला है। तो मैं पहुँच गई थी मायके 4 दिन पहले ही, क्योंकि आज पूजा था। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे चॉपिंग वगैरह चल रहा है घर पे, एंड मेरा टेडी यहाँ पे बेड की इंस्पेक्शन कर रहा है क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आंटी बुआ सब लोग मिलके यहाँ पे चॉपिंग कर रहे हैं दोपहर के खाने के लिए। तो अभी नहाएंगे हम लोग, तो सुबह का भी एक पूजा होने वाला है, तो उसके लिए अभी नहाएंगे यहाँ पे तुली सोते हुए। तो यह मैं भी नहा के आती हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं। तो नहा के आ चुकी हूँ, पूरा एथनिक पहन लिया है, मतलब सलवार पहना है अभी। तो यहाँ पे मम्मी आलता लगवा रही है तुली से, मैंने सोचा कि मैं भी लगवा लूँ थोड़ा, तो यार चलो आलता लगवाते हैं। तो पूजा शुरू हो चुका है, मतलब सजा दिया है सिंहासन। तो अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, सुबह को भोग लगेगा चावल एंड वेजिटेबल्स का, इसको एक सिद्ध बोलते हैं, मतलब एक साथ बॉयल करके भोग लगेगा। तो उसका अभी प्रिपरेशन चल रहा है, और यहाँ पे बुआ आने के वक्त बहुत सारा फ्लावर्स लेके आई थी, तो उसका माला बनाएंगे अभी। तो चलो माला बनाते हैं। तो यहाँ पे माला प्रिपेयर करते करते भोग बिल्कुल तैयार हो चुका है, जैसे मैंने बोला था चावल एंड वेजिटेबल्स का एक साथ बॉयल, तो एकदम रेडी है। इसमें घी भी जाता है, तो अभी इसका भोग लगने वाला है। तो पूजा तो ख़त्म हो चुका है, अभी प्रिपरेशन शुरू हो गया है शाम के पूजा के लिए। तो यहाँ पे सिंहासन सजाया जा रहा है, राम जी बाहर आके बैठेंगे शाम को। तो यहाँ पे राम जी बैठेंगे, यहाँ पे साड़ी जो है पहनाया जाएगा उस तुलसी वाले टॉप में, मतलब ये वृंदा जी बोलते हैं, मतलब राधा। तो राधा को साड़ी पहनाया जाएगा सुंदर करके, दुल्हन के जैसा। तो यहाँ पे बुआ और एक दीदी मिलकर साड़ी पहना रही है, एकदम दुल्हन जैसा तैयार करेंगी इनको। गाना गाएगी, गाना गाएगी। मंडप को यहाँ पे वृंदा जी रेडी है साड़ी पहन के, यहाँ पे सिंहासन भी रेडी है राम जी के लिए, बाकी थोड़ा हमने फ्लावर्स से थोड़ा सजावट किया है। तो यहाँ पे राम जी को पापा एंड मम्मी मिलके बिठा रहे हैं, यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है सब कुछ, अभी इनको बिठाएंगे, इनका थोड़ा श्रृंगार किया जाएगा एज यू कैन सी। तो राम जी एकदम विराजमान हो चुके हैं अपने सिंहासन पे, वृंदा जी भी रेडी है यहाँ पे, डेकोरेशन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अभी इनको माला वगैरह पहनाया जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, फिर शाम को कीर्तन वगैरह होगा। यहाँ पे शाम के लिए जो मतलब भोग लगेगा उसका तैयारी चल रहा है। यहाँ पे मेरी सासू माँ और बुआ सब लोग मिल के फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी भोग के लिए, एंड सब कुछ तैयार हो रहा है। तो माला पहना दिया है राम जी को, जो हमने बनाया था वो भी, और पापा एक लेके आए थे वो भी पहना दिया है। तो यहाँ पे शाम के कीर्तन के लिए सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, साली जीजा मिलके कर रहे हैं सब कुछ, मतलब एकदम रेडी, अब लोग आएंगे और कीर्तन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी शिरनी का, मतलब शिरनी जो होता है वो मेन भोग होता है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज़ रेडी, अभी बस पूजा होगा एंड कीर्तन होगा।
प्रिपरेशन करते करते कीर्तन वाले भैया लोग आ गए थे, मतलब बहुत दूर दूर से आए थे वो लोग, तो वो लोग आ गए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धो के पूरा साड़ी वाड़ी पहन के एकदम पूजा के लिए तैयार। तो सब लोग ही तैयार हो चुके थे तो हम भी तैयार, अभी बस कीर्तन शुरू होगा एंड पूजा भी शुरू हो जाएगा। कीर्तन चल रहा है और मैंने सोचा है कि दिखा दूँ भोग में, मतलब शाम के प्रसाद में क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे फ्राइज़ के लिए पम्पकिन कट किया गया है, खिचड़ी बन रहा है और खिचड़ी ऑलरेडी रेडी है पहले से ही, और बाकी बन रहा है अभी। तो यहाँ पे रखा गया है जो पहले से रेडी हो गया था, एज यू कैन सी। तभी बस कीर्तन ख़त्म होगा और सबको प्रसाद मिलेगा। कीर्तन कंप्लीट होने ही वाला था और सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे लास्ट में कीर्तन में। तो इसके बाद प्रसाद देना शुरू हो गया था, मतलब तो बहुत दौड़ भाग हो रहा था क्योंकि घर में भी कुछ लोग बैठे थे, बाहर आंगन में भी बैठे थे, तो सब लोग मिलके प्रसाद दे रहे थे। और यहाँ पे है शिरनी जो मेन भोग है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यह ब्लॉग को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। तो ब्लॉग को यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।